वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम गुलाब सान से वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू आर बी आई द इनोवेशन दर बी आई ट्राइंग टू ब्रिंग इन टू द इकोनोमी तो उसके बारे में छोटा सा न्यूज आर्टिकल है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे आज के आर 247 टू के वीडियोज में उसके बाद

और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए नाउ दिस ऐप इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन क्योंकि यहाँ पे आप डेली क्विजे सॉल्व कर सकते हो पास्ट या पेपर्स देख सकते हो कि इन द प्रीवियस प्रीवियसर्स कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं बीट रिगार्डिंग योर आर बी आई सब नबार्ट रेगुलेटरी एग्जाम्स हो गए या यूपीएससी से रिलेटेड आपके कॉमर्स मैनेजमेंट हो गया तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना सो लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड विद द इसके बारे में आप सबको पता ही होगा सो लेट्स टॉक अबाउट इट अब ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है एज यू ऑल नो इट इज दमल वे ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द किसान सो so, जितने भी फार्मर्स हैं या फिर रूरल एरियाज़ में लोग हैं उनको लोन नहीं मिल पाता था फॉर्मल लैंडिंग के अंदर उनको लाने के लिए 1998 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम लॉन्च हुई थी बाय द नेम किसान क्रेडिट कार्ड क्योंकि देखा गया था कि जो मिडल मैन हैं या फिर ऐसे मनी लेंडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सटॉर्ट करते हैं ऐसे बेचारी फार्मर्स को रूरल पीपल को तो इन लोगों की फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी जहाँ पे आफ्टर हार्वेस्ट आपको रीपे करना होता है शॉर्ट टर्म लोन जो भी आप लेते हो अपने एग्रीकल्चरल या उससे अलाइड जो भी एक्टिविटीज होती हैं, उसके लिए और इसका जो टाइम पीरियड है वो अप टू थ्री इयर्स है सो फॉर दिस द किसान क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अप्लाइंग टू द स्कीम ट दिसबर्समेंट ऑफ दिल द रीपेमेंट आप पहले अप्लाई करते हो कुछ फॉलो होती है मनी इज यू, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा दिया जाता है एंड फाइनली यू हैव टू मेक द रीपेमेंट अब ये जितना एंटायर प्रोसेस है किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर एंड टू एंड सारा डिजिट digitalize हो जाएगा

It in the अब बात करते हैं, हम आगे क्या क्या न्यूंस हैं इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर पर्सन फॉर्मोस जैसे ही नाम में है कि ये एक तरीके का पायलट प्रोजेक्ट है इट विल बी लॉन्च्ड इन जस्ट टू स्टेट्स फर्स्ट इन मध्य प्रदेश एंड सेकेंडली इन तमिलनाडु तो इन दो जगहों पे लॉन्च किया जाएगा पूरा प्रोसेस को देखा जाएगा रिजल्ट को देखा जाएगा कि व्हाट इज द फीडबैक कितना पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ इशुंग ऑफ डिजिटलाइजिंग दर प्रोसेस तो उन सबको पहले हम स्टडी करेंगे अगर पॉजिटिव आउटकम रहा देन वी आर गो ना वी आर गो ना एक्सपेंड इट टू अदर डिस्ट्रिक्ट एस ग्रेजुअली अक्रॉस दी एंटायर कंट्री अगर यहाँ सक्सेसफुल होता है तो हम और भी जगह इसको लॉन्च करेंगे अब हम बात करते हैं पार्टनर बैंक्स की तो कौन से बैंक्स होंगे जो पार्टनर करेंगे मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में इन डिजिटलाइजिंग दी प्रोसेस सो इनकेस ऑफ मध्य प्रदेश इट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नाम याद रखना सच क्वेश्चन आर जनरली जनरली आस्ड

आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ठीक है इसके अलावा और क्या है इधर इसके अलावा अब बात करते हैं कि वाई हैज आर बी आई थॉट ऑफ गेटिंग दिस डिजिटल गेटिंग दी लेंडिंग एंटायरली डिजिटल क्यों डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अब आपको पता होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आई जैम ट्रिनिटी आया तो ये देखा गया कि रूरल इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है और जब तक हम अपने रूरल इंडिया को फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं करते आर कंट्री कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेवलप्ड कंट्री और अ इकोनॉमिक और एन इंक्लूसिव ग्रोथ कंट्री इंक्लूसिव ग्रोथ कब आएगा जब आपके अर्बन पॉपुलेशन के साथ आपका जो रूरल पॉपुलेशन है वो भी फाइनेंशियली इंक्लूडेड है और वो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन का यूज कर रहा है ठीक है तो और ये भी देखा गया था कि अगर हम स्पेसिफिकली किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये देखा गया था कि काफी लंबा टाइम लग जाता था जो टर्न अराउंड टाइम है टर्न टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम मेकिंग the एप्लीकेशन टिल द disbursement ऑफ़ द लोन काफ़ी टाइम लग जाता था एक, एक डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता था इन ऑर्डर टू गेट अप्रूवल फॉर द किसान क्रेडिट कार्ड और कई बार ऐसा भी देखा गया था कि ये जो बेचारे फार्मर्स होते हैं इनको कई बार बैंक्स की हाजिरी लगानी पड़ती है बार बार बैंक्स में जाना पड़ता है सो so दैट पहले वो अप्लाई कर सकें अपने जो लैंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको एज ए कोलेक्टर लेके जाना पड़ता है वो भी उनको लेकर जाना पड़ता है अपने साथ कैरी करना पड़ता है कई बार बहुत सारे मिसहैप्स हो जाते हैं उनके साथ सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस ऑल ऑफ दिस इन ऑर्डर टू द कॉस्ट फॉर द बोरो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट फॉर द फार्मर एंड इंक्रीज एफिशिएंसी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए प्लस जो एंटायर रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया जहां पे उसने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करी ठीक है अब इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइम टर्न अराउंड टाइम है जैसे आपने एप्लीकेशन किया टिल द टाइम यू गेट द डिसबर्समेंट ऑफ द लोन वो कम हो जाएगा उसको आप एक हफ्ते के अंदर कर दोगे ठीक है दूसरी चीज आपको फिजिकली कुछ कलेक्ट करके लेकर जाना नहीं पड़ेगा नाउ सारा कुछ ट्रांजेक्शन है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन कोलेट्रल सबमिट करना लोन डिसबर्समेंट होना या फिर इनफैक्ट जो लोन की पेमेंट है सारी चीजें अब डिजिटलाइज हो जाएंगी ठीक है इस तरीके से जो द क्रेडिट फ्लो है जो आज तक अंडरसर्फ या अनसर्फ पॉपुलेशन तक नहीं पहुंची है उन तक भी हम पहुंचा सकेंगे थ्रू दिस डिजिटलाइजिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम न्यूज कुछ है नहीं इस न्यूज में आई होप आपको समझ आ गया होगा अब इसको आप देखो बहुत सारी जगह पे लिंक कर सकते हैं फ्रेमवर्क हमने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की बात करी थी जो आर बी आई लेकर आई थी वहां पे भी यही बात की गई है कि जितने भी आपके डेटा हैं वो आपके बैंक के पास है कुछ आपके इंश्योरेंस के पास है इंश्योरेंस कंपनीज के पास है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास है अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है अब आप डायरेक्टली उनको बोल सकते हो या परमिशन दे सकते हो कि आप मेरे डेटा को कुछ टाइम पीरियड के लिए अपने पास रख के जो भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हो सो द एंटायर सिस्टम गेट्स रिलेटेड अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उन चीज़ों को भी हम यूज करेंगे और हमारा जो सपना है इंक्लूसिव ग्रोथ का जहाँ पे नॉट ओनली दी अर्बन बट ऑल्सो द रूरल एरियाज टूगेदर ग्रोथ और एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो हमारी इकोनॉमी में वो हम अचीव कर सकें अब बात करते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की अब ये जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है नाम से ही क्लियर है एक तरीके का एक कंपनी फॉर्म की गई है जहां पे देर एंटायर फोकस विल बी टू फाइंड आउट और टू इन्वेस्ट इन सर्टेन स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट्स जो इनोवेशन की बात करता है इन द फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर में रिजर्वोशन इंक्लूजन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए इनोवेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है अब आरबीआई ने आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को एज अ सेक्शन एट कंपनी बनाई थी सेक्शन एट कंपनी अंडर 2013 तो दो जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो कंपनीज के टाइप्स बताती है कि प्राइवेट कंपनी हो गया पब्लिक कंपनी हो गया वन पर्सन कंपनी हो गया एसोसिएट कंपनी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं उसी में से एक सेक्शन एट के अंदर कुछ कंपनीज की बात की गई है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको कंपनीज एक्ट सेक्शन एट के अंदर रख देती है और ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका यही काम होता है देर पर्पज इज टू प्रमोट आर्ट कॉमर्स इनोवेशन सोशल सर्विस या फिलट्राफिक एक्टिविटी या फिर इन्वामेंट रिलेटेड सोशल वेलफेयर रिसर्च इन सारे एक्टिविटीज को प्रमोट करना होता है तो दीज आर नॉन एज सेक्शन एट कंपनी

इनोवेशन को यूज करके हम अपने फाइनेंशियल सेक्टर को इतना इंक्लूसिव बना दें कि सारे लोगों को एक तो अपॉर्चुनिटी मिले सेकेंडली देर आर इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर एंड दिस इज लीडिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है तो ये सारी चीजें आती हैं आरबीआई एच में और इसको रिसेंटली हमारे जो आर गवर्नर हैं श्री शक्तिकांता दास ने इनोग्रेट किया था इन बेंगलुरु 2022 मार्च में बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया था क्योंकि आपको पता है कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे इनोवेशन बहुत तरीके की की जाती है राइट सो बेंगलुरु वॉज चूजन और वहां पर इनोग्रेट किया गया था आर को अब बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में फर्स्ट चेयरमैन अब ये जो RBIH है चेयरमैन है, तो है, और और रहे हैं वो है श्री सेनापति गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण जी इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर बी आई एच जो इसके सारे कर्ता धर्ता रहेंगे और देखेंगे हाउ इट इज वर्किंग और कैसे और हम इनोवेशन ला सके ठीक है ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल इंक्लूजन इनकी मेन ऑब्जेक्टिव है इसको ये अचीव करना चाहते हैं बाय मेकिंग यूज ऑफ द इनोवेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर ठीक है तो इस तरीके से आर बी आई वॉन्ट्स टू प्रमोट इनोवेशन वॉन्ट्स टू प्रोमोट प्रमोट एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज हैं सारे फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे जो पोर पोरर पॉपुलेशन है अंडरसर्फ्ट एंड अनसर्फ्ट पॉपुलेशन है उन तक भी पहुंच पाए दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आई होप आपको समझ आ गया वेरी प्रिटी सिंपल न्यूज अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की सो दे आर सर्टन क्वेश्चन फॉर यू और ये रही कुछ मोटो सो दे आर थ्री मोट सो देर आर थ्री थ्री बेसिक मोटो ऑफ आर वी आई एच द फर्स्ट इज इनोवेशन जैसे हमने बात करी बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस है इनोवेशन होने चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में सेकेंड इंक्लूजन इनोवेशन को यूज करके हमें फाइनेंशियल सर्विसेज सभी तक पहुंचाने हैं सो दैट देर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री एंड थर्ड इज इंपैक्ट बाई यूजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिंग

अदर स्टेक होल्डर्स है आपके बी एफ एस आई सेक्टर हो गया बैंकिंग फाइनेंस सर्विस एंड इंश्योरेंस सेक्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया सबको कन्वर्ट करेगा सबके यहाँ देखेगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इन द फाइनेंशियल स्पेस उसको वो इनोवेट इनोवेटिव मैनर में सॉल्व करने की कोशिश करेगा एंड इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड मेंटोर स्टार्टअप्स मैक्सिमम पोटेंशियल अगर किसी स्टार्टअप में उन्हें पोटेंशियल दिख रही है तो उनको ये सपोर्ट करेंगे सो दैट इनोवेशन कुट कमा तो बेसिक यही है कि इनोवेशन पे काम करता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटायरली डिफरेंट है क्योंकि एक तरीके का सब्सिडरी है ये ठीक है

अब यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड है आपके मन में आएगा क्या पता नबार्ड हो सकता है इसका आंसर हो ही सकता है राइट right? रेगुलेटरी हो सकती है क्योंकि ये भी इनोवेशन वगैरह की बात करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकती है फाइनेंस रिलेटेड है तो आपको इसका आंसर बताना है कि वॉट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ना लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन से बैंकिंग पार्टनर फॉर मध्य प्रदेश फॉर डिजिटलाइजिंग द लैंडिंग अंदर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम तो यहाँ पे बैंक के नाम हैं इंडियन बैंक है यूनियन बैंक फेडरल बैंक स्टेट बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक आपको पता ही होगा याद हो गया होगा जस्ट राइट इट डाउन इन दमेंट सेक्शन नाउ द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू दायलट प्रोजेक्ट फॉर किसान क्रेडिट स्कीम तो तीन स्टेटमेंट से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं

in the comment section i have already provided you with the answer but pehle aap answer karo so this was all for today i hope you enjoyed the session till then i'll take a leave till then take care and bye bye